जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सर्व शिक्षा अभियान भर्ती 2024 के बारे में। 15,800 पदों पे यहाँ पे ये वैकेंसी अवेलेबल है। 1 से 5वीं तक के बच्चों को प्राइमरी स्कूल्स जो ग्रामीण इलाकों में होती है, क्षेत्रों में होती है, वहाँ पे पढ़ाने का कार्य प्राइमरी शिक्षकों द्वारा किया जाता है, जिसकी ज्वाइनिंग आपकी SSA यानी कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत टीचर्स की भर्ती निकलती है एक अलग से, जो कि फॉर्म यहाँ पर निकला हुआ है। हर साल निकलती है, कई बार 1-2 साल का गैप लग जाता है। अभी 2024 में पुनः ये वैकेंसी निकली है। कितनी क्या कट ऑफ रहती है, क्या क्राइटेरिया रहता है, कौन अप्लाई कर सकता है, कहां से अप्लाई करना है, सब कुछ डिटेल डिस्कशन करेंगे शुरू से लेके एंड तक इस वीडियो के साथ में। अब बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, अभी डिटेल में बात करते हैं। यहां पे मैं सबसे पहले शॉर्ट में आपको बता देता हूं यहां पे इस वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे समग्र शिक्षा प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2024 ये जो निकली हुई है, इसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ पे ये वैकेंसी प्राइमरी स्कूल्स में है, जो वे प्राइमरी स्कूल्स में गांव कस्बों में यहाँ पे प्राइमरी स्कूल्स होती हैं, उनमें ये आपकी ज्वाइनिंग होगी। 1 से 5वीं तक की क्लास के बच्चों को पढ़ाने का कार्य इसमें किया जाता है। प्राथमिक शिक्षक इसका नाम है। इसके अलावा ऑनलाइन इसके आवेदन नवम्बर महीने में स्टार्ट होने जा रहे हैं। 15,800 पदों पर ये वैकेंसी निकली हुई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जब स्टार्ट होंगे, मैं अप्लाई करके आपको बता दूंगा। नियर बाई एक दोस्तों, यहाँ पे कुछ बातें इसमें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर साल की भर्ती इस बार भी निकली है। 15,000 पिछली बार जो निकली थी वैकेंसी, वह 18,000 के करीब थी, और उसमें जो कट ऑफ क्राइटेरिया था लास्ट में, जब मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट निकली थी, उस टाइम यहाँ पे इसकी जो परसेंटेज कट ऑफ थी 67% थी। यानी कि एक तरीके से इसमें कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन कम भी नहीं है। आराम से 67% आपको लाना पड़ेगा जो भी एग्जामिनेशन होता है। एक ही पेपर होगा, सिंगल पेपर। स्कीम क्या रहेगी वो सब कुछ मैं बता दूंगा, सिलेबस क्या रहेगा वो भी मैं बता दूंगा। लिखित परीक्षा आपकी होगी, आप ध्यान रखना। और इसकी वेबसाइट है ssa.gov.in, इस पे जाके आप इसको आवेदन कर सकते हो। ये डेट्स इसमें नीचे मेंशन की गई है। डेट्स की बात की जाए तो 21/11/2024 से आपके आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। 21 से लेके 20/12/2024 शाम को 6 बजे तक ऑफलाइन हो जाएगा आवेदन आपका। एक तरीके से यहाँ पे एक महीने का आपको प्रॉपर टाइम दिया गया है। नवंबर से लेके दिसंबर 20 तक आप आराम से अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इसके एग्जामिनेशन की जो टेंटेटिव डेट रखी गई है वह फरवरी मार्च में है। यानी कि एक तरीके से फरवरी आप 18/2/2025 डेट आ रखी है। हो सकता है इस डेट को जाए, नहीं तो एक महीने पोस्टपोन भी हो सकता है इलेक्शन के टाइम की वजह से। तो अभी जब भी होता है सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। वैसे फिलहाल टेंटेटिव ये जो डेट रखी हुई है, हर बार आप सभी को पता है 1-2 महीने की सकती ही है, लेकिन आप 18/2/2025 के हिसाब से तैयारी रखें अपनी। ये वैकेंसी के लिए आवेदन करना है, 18 से 37 साल के बीच में अगर आप आते हो तो आप आवेदन कर सकते हो। इसमें जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ। जूनियर बेसिक प्राथमिक शिक्षक वैकेंसी का नाम है। प्राथमिक शिक्षक प्राथमिक स्कूलों में इसकी ज्वाइनिंग होती है टीचरों के। 15,800 पदों पे 50% अंक के साथ में आपने ग्रेजुएशन पास कर रखी है, और साथ में आपके पास में जो भी क्वालिफिकेशन होती है टीचर्स के लिए वो अगर है तो आप आवेदन कर सकते हो। प्राइमरी टीचर्स में जनरल कैटेगरी OBC SC ST EWS के वैकेंट पदों की संख्या इसमें दी गई है, और आपकी जो इसमें सैलरी रहती है वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। यहाँ पे करंट में वर्तमान में 25,300 स्टार्टिंग महीने के TA/DA अलाउंसेंस के साथ में 2 साल का प्रोबेशन कंप्लीट करने के उपरांत आपको 25,300 रुपये मानदेय मिलेगा, ये आप ध्यान रखना। इससे पहले जो आपकी सैलरी रहेगी वो 13,500 के आसपास या 700 के आसपास रहेगी प्रोबेशन पीरियड में 2 साल तक। डॉक्यूमेंट्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे लिस्ट दे रखी है सारी डॉक्यूमेंट्स की, तो ये आप बनवा ले। DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ये सब मांगे जाएंगे आपसे। इसके अलावा इसका विज्ञापन कहाँ पे मिलेगा PDF, ये सब कुछ नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। वेल धन्यवाद दोस्तों, इस वैकेंसी की पल पल की न्यूज़ के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले आज ही।